एमआईसी सदस्य सूरज कैरो को कोर्ट ने भेजा जेल। मेघदूत गार्डन लीज मामले में फंसे राजस्व समिति प्रभारी सूरज कैरो। इंदौर लोकायुक्त ने पेश किया था चालान। भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष अदालत ने पेश किया चालान। 9 आरोपियों को जेल भेजने के दिए आदेश। एमआईसी सदस्य सूरज कैरो सहित 3 पार्षद शामिल। अधिकारियों सहित कई नामी चेहरे भी शामिल। इंदौर में भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए नगर निगम में एमआईसी सदस्य सूरज कैरो को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। मेघदूत गार्डन की लीज के मामले में लोकायुक्त इंदौर द्वारा पेश किए गए चालान पर विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए सूरज कैरो सहित 9 लोगों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल साल 2013 में मेघदूत गार्डन के विकास कार्यों को लेकर जारी किए गए टेंडर में भारी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस नेता छोटू शुक्ला ने लोकायुक्त में दर्ज कराई थी। लंबी जांच के बाद सोमवार को लोकायुक्त ने निगम के एमआईसी सदस्य सूरज कैरो सहित निगम के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष अदालत में चालान पेश किया था। सोमवार को इस मामले में 10 में से 9 आरोपी पेश हुए थे, जिन्हें कोर्ट ने गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 2003 में छोटू शुक्ला पार्षद नगर निगम, जो प्रतिपक्ष के नेता भी थे, उनके द्वारा एक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत की गई थी। शिकायत का आशय ये था कि मेघदूत गार्डन में उसके निर्माण कार्यों में, उसके संचालन में और संधारण में भ्रष्टाचार हुआ है, और इसी शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई। ये जो जेल वारंट जिन लोगों के बने, उसमें जगदीश डगांवकर हैं, उस समय के नगर शिल्पज्ञ थे नगर पालिक निगम के, अशोक बैजल हैं, उस समय के कार्यपालन यंत्री थे, इसमें अमानतुल्ला खान है जो उद्यान के अधीक्षक थे उस समय, और उस समय के पार्षद और एक समिति नगर पालिका की थी उसके जो सदस्य थे सूरज कैरो और कैलाश यादव तथा राजन सोनी, ये 3 लोग भेजे गए हैं। इस मामले में निगम के पूर्व अधिकारियों के साथ ही 3 पार्षद भी शामिल हैं। कोर्ट ने जगदीश डगावकर, अशोक बैजल, एमयू खान, कैलाश यादव और राजेंद्र सोनी सहित 9 आरोपियों को जेल भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।